माफी माँ, प्लीज मुझे बचा लो माँ। राशी 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 बेटा तुम कहाँ हो? आवाज तो गाड़ी के पीछे से आ रही है। मुझे बचा ली माँ। तो राशी की आवाज है। नहीं बेटा, वही चलते हैं दोबारा। चलो शादी मैं जल्दी से शटर खोलिए। जाओ शादी जल्दी। तुम ठीक हो? ये सब तुमने क्या किया मीरा? हम सब ने, और तुम अपनी सगी माँ को जलाने ही वाली थी। जब हम सब ने तुम्हें देखा तो तुमने गोपियों को बचाने का नाटक किया। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम? मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा मन इतना काला है। दादी आप गलत समझे मैंने ऐसा। चुप। या कुछ और बात नहीं। तो फिर किसने किया है? उत्तर दो जिगर। ये सब कुछ राशन ने किया। अब मेरी गोलू पोलू ने किया है, ये सोचना भी पाप है। कि देवर जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। ही नहीं हो सकता। गोलू पोलू तो कितने छोटे बच्चे हैं। ये सब मैंने ही किया है। मैंने इन्हें मारने की कितनी कोशिश की, बट हर बार ये बच गए। मतलब मैं बताता हूँ काकी जी, एक मिनट। ये देखिए काकी जी, सबसे पहले इसने छाछ में फिनाइल मिला ताकि गोपी भाभी को मार सके। जब तक विद्या टिपले बनाएगी तब तक तुम सारे कमरों में पोछा लगाओगी। पोछे के पानी में फिनाइल अवश्य डाल देना। विद्या टिपले बनाने से पहले गोपी बहू के लिए छाछ बना दो। गोपी माँ, जिस तरह आपने मेरी मम्मी को मारा था ना, दूसरी बार राशि ने मिट्टी में कांच मिलाकर भाभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सो उसकी वजह से माँ को चोट लग गई। वहां पर भी आप पहले पहुंच गए और आपको नुकसान हो गया। उसके बाद राशि ने जानबूझकर अपने कमरे का गीजर ऑन किया। किचन में पड़े हुए गैस सिलेंडर की पाइप को भी राशि ने ही काटा। वो झूले पर शॉर्ट सर्किट भी राशि ने ही किया। ये सब तुमने क्यों किया? क्योंकि ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अपनी गोपी माँ से? ये मेरी माँ नहीं है। इन्होंने मेरी मम्मा को मार दिया है। किसने तुम्हें बताया? उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने सब सुन लिया। उस दिन सिर्फ मेरी आंखें बंद थी। राशि की मां राधा को आपने मारा था, मैंने नहीं। उस दिन तुमने जो कुछ भी सुना वो सच नहीं है। मैं तुम्हारा असली पापा। आप नहीं है मेरे पापा। मेरे असली पापा तो ये है। ये सच नहीं है, सब कुछ झूठ है। इसलिए मैं चाहती हूँ ये मर जाए और भगवान के घर चली जाए। मैं बहुत प्यार करती। नहीं करती आप। अगर आप मुझसे प्यार करती तो आपने मेरी मम्मी को मारा नहीं होता। इसलिए उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते। इन्होंने मुझे मेरी माँ से अलग किया है ना? हाँ, इन्होंने मेरी मम्मी को मारा है ना, इसलिए मैं तो इन्हें मार कर ही रहूंगी। सब क्या किया तुमने? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है बड़ों के साथ प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक व्यवहार करते। सॉरी बाप।
ये चैलेंज किया था ना कि सब के पीछे मेरा हाथ है, नाउ व्हाट? अब आप कौन सी पनिशमेंट देंगी और किसको पनिशमेंट देंगी? बिना किसी प्रूफ के किसी को भी ब्लेम करना तो आप लोगों की आदत डालता है। आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से इस घर की लड़की किसी की जान लेने वाली थी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैंने तुम पर गलत आक्षेप लगाया, मुझे क्षमा कर दो। हीरा, आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। थैंक यू सो मच। विद्या, ये कहीं नहीं जाएगी। जीजू, इसने साबित कर दिया कि राजा की ही बेटी है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, किसी की जान लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। बस करो परिधि, थोड़ा तो लिहाज करो, ये बच्ची है। उस राजा के सामने जिसने इसे पैदा होने से पहले से मारने की कोशिश की थी। अगर आज ये बच्ची जिंदा है तो सिर्फ गोपी बहन की वजह से, और इसने उन्हें ही मारने की कोशिश की। आप कैसे भूल सकती है काकी जी, राधा ने आपको थप्पड़ मारा, आपके इंसल्ट की थी, उसने गोपी बहन को भी मारने की कोशिश की थी। तुमसे फिर से विनती करती हूँ, ये राधा का गंदा खून है और गंदा खून एक ना एक दिन अपना असली रंग दिखा ही देता है। बस चुप भी करो परिधि। राशि ने जो कुछ भी किया उसके लिए मेरे द्वारा उसे दी गई परवरिश जिम्मेदार है। आप अपने आप को मत कोसी, आपकी कोई गलती नहीं। राधा के कोख से पैदा हुई लड़की, रावण के घर कभी राम पैदा नहीं होते। तो परिका की सच कह रही है। हाँ, तुम हो बुरी। बस परिधि, विद्या गोलू पोलू को कमरे में ले जाओ। ये आज कहीं नहीं जाएगी। ले जाओ राशि को अपने कमरे।